जी बेटा, अभी आपने एनिमेटेड वीडियो में देखा है कूलम्स लॉ जो है वो क्या है। इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1785 बाय चार्ल्स कूलम, और ये किसको डील करते हैं? विद द पॉइंट चार्जेस को। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट जिसको हम कहते हैं। सपोज अगर मैं एक स्मॉल सा ये डॉट लगा देती हूँ, ये स्टैंड्स फॉर पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से चार्जेस जो है दे प्रोसेसेस डिफरेंट साइजेस। अब वो हमारे पास चार्जेस, अब चूंकि हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को डील कर रहा है, दैट्स वाई वो चार्जेस जिनका साइज, जिनका अपना साइज उनके डिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है, उनको क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्जेस। जब जिस तरह यहाँ मैंने टू चार्जेस शो किए हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द साइज ऑफ चार्ज Q2, दिस इज़ द साइज ऑफ चार्ज Q1, उनके आपस के दरमियान की जो सप्रेशन जो है वो ये है। डिस्टेंस उनका साइज जो है वो क्या है, सिर्फ इतना सा है, ठीक है। सप्रेशन उनके दरमियान ये है, उनका साइज इतना सा है, उनका साइज एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस वो क्या है, कम है। तो इस लिहाज से हम इनको क्या नाम देंगे, Q1 इज़ अ पॉइंट चार्ज, Q2 इज़ ऑल्सो अ पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्जेस के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो स्मॉल क्यू की करते हैं, ठीक है। वैसे तो चार्ज हम कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन जब हम पॉइंट चार्ज की बात करते हैं देन द पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक। और इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ जो हमें क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी कि पॉइंट ये जो है, हम चूंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई चार्जेस जो हैं वे कहाँ होंगे, स्टेशनरी होंगे। अब इसके मुताबिक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पल्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ, ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। फ़र्क क्या है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जस्ट अट्रैक्शन की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन की भी बात हो रही है। बाकी इसकी स्ट्रेटमेंट मैथमेटिकल स्ट्रैप्स जो है मिलते जुलते हैं। फ़र्क क्या है कि मास को जो है वो Q1 Q2 से रिप्रेजेंट कर जो है उसने इंटरचेंज कर दिया, और डिस्टेंस को इंस्टेड ऑफ टेकिंग डी आर से या स्मॉल आर जो है उसको लिया हुआ है डी की बजाय, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अब क्या है, अब इसके मुताबिक एफ़ हमारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वन ओवर आर स्क्वायर। अब दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, और साइन प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके इक्वलिटी का साइन लगाएंगे साथ के, आ जाएगा कॉन्स्टेंट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के कॉन्स्टेंट ऑफ कूलम्स लॉ है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है व्हाट इज़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अगर मीडियम एयर है देन के इक्वल टू 1/4π ε₀, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास कहलाता है ε₀ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी वर्ड निकला है परमिट से, मतलब परमिशन देना, इजाज़त देना, ठीक है ना। सिंपली आप लोग अपने लेवल पे एक जस्ट एक इतना जहन में रखो कि हम मीडियम जो है कितना परमिट करता है चार्जेस को कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें और रिपेल कर सकें, उसको हम क्या नाम देते हैं, करेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या कहलाती है, परमिटिविटी, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक क्या कहलाती है, परमिटिविटी। अब फ्री स्पेस मीन एयर, और फ्री स्पेस के अंदर जो है ये परमिटिविटी है, राइट। और जो है ये आप हायर क्लासेस भी जाकर इसको पढ़ोगे, मीडियम अगर बदल जाता है तो इसके साथ ε₀ के साथ ε₀ भी लग जाता है। अब अगर जो है आपने वीडियो को गौर से देखा होगा तो उसमें ये टर्म यूज़ हुई हुई थी। इस फार्मूला के मुताबिक आर जो है इधर जाकर आर स्केयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड हो जाएंगे, तो के किसकी इक्वल टू हो जाएगा, एफ आर स्केयर बाय Q1 Q2। अब अगर हम यूनिट ऑफ के की बात करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, चार्ज जो है चूँकि उसको सबसे पहले चार्जेस के बारे में लॉर्ड कूलम ने रिप्रेजेंट किया था, कूलम ने प्रेजेंट किया था, दैट्स वाई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, कूलम है। अब चूँकि टू चार्जेस का प्रोडक्ट है, दैट्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन, और आर का स्केयर मीन मीटर स्केयर, कूलम इंटू कूलम क्या आ जाएगा, कूलम स्केयर। तो यूनिट हमारे पास SI का क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। और चार्ज ऑफ वन कूलम के अंदर 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ई नेगेटिव स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी तरह हम ये देखते हैं कि कूलम जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है, मोस्टली पॉइंट चार्जेस हम स्टेशनरी चार्जेस को डील करते हैं, हम चूँकि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस को डील कर रहे हैं, दैट्स वाई स्मॉल यूनिट हम लेते हैं चार्ज का, जो कि माइक्रो कूलम है। 1 µC 10⁻⁶ कूलम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे भी हम चार्जेस की बात करेंगे, वी विल टेक दीज चार्जेस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो कूलम, मीन 1 µC इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। और ये हमारे पास जो है क्या कूलम लॉ है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस अभी मैंने क्या बताया है, वो चार्जेस होते हैं जिनका डिस्टेंस, जिनकी सप्रेशन एज कम्पेयर टू देयर साइज जो है वो क्या है, ज़्यादा होता है, या जिनका साइज जो है उनके डिस्टेंस के मुकाबले में कम होता है।